सलेम टाबरी की रहने वाली एक महिला ने कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कांग्रेसी नेता उसके बेटे को चिट्टा बेचने पर मजबूर किया करता था। जब उसके पिता संजीव ने स्टीफन को ऐसा करने से रोका तो उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। इस बारे में जब हमने कांग्रेसी नेता स्टीफन से बात की तो उन्होंने इन सारे इल्जामों को बेबुनियाद बताया। साडा मुंडा बिल्कुल खामोश बैठा है, असि रात 9 बजे आए, मैंने पूछा पुत्र मैंने तेरा चेहरा मतलब उदास लगता की गल, कहना पापा नहीं कोई गल नहीं तुम पहले खाना खाओ तुम बहुत लेट आए। चलो ठीक है, असं खाना खुना खा के जी इन्हें मुंडे ने मैं दसिया भी अज स्टीफन सिद्धू जिहड़ा अपनी गली च रहिंदा उन्हें मतलब मैनू एक पुड़ी जी फड़ाई है जी, मैनू कहिंदा वो सामने पार्क च स्पलेंडर मोटरसाइकिल ते बंदा बैठा उन्होंने जाके दे दे, ते मुंडे ने बिल्कुल उन्होंने मना कर दिता जी मैं नहीं दे के आनी जी, मैं कहो दे के आवा पुड़ी, कहना तैनू मैं 200 रुपया दूंगा तू दे, कहना मैं नहीं जी 200 रुपया जी, कहना जी मैनू इदा करो तुसी मैनू ना मैं तैनू 500 दूंगा तू यार दे आ जाके, कहना मैं ना कहना मेरे दो चपेटा मारी मैं भज के घर आ गया, उन्हें मैंने सारी अपनी दास्तान दसी। उदू बाद मैं तो मेरी वाइफ रात 11:30 10:30 हुए सी असी सैर करते पे जी, सैर करके वापस आ रहे हैं, असी उन्होंने पूछा भी भाई तू ये काम क्यों किया, उन्हें तो भरा ने और प्यो ने बहुत फुल शराब पीती सी ठीक है जी, और चाचे के मुंडे नहीं पीती वो आया इन्होंने जी कोई गल नहीं बात नहीं, दो जनानियां से कोई गल नहीं जी कोई बात नहीं, मैंने खिंच के अंदर लै गए, अंदर इन्होंने मैं रूह ना कुटिया, मेरे प्रैशर कुकर मारे जी सिर दे विच, आ मेरिया दो उंगलां फ्रैक्चर हो गई जी ते बहुत चंगी तरह डैमेज हो गई मेरी उंगलां। एक जो लोगों तक जी मैं सच्चाई में दसना चाहता वा कि रेखा जी कि पिछले लंबे समय तो इस साड़ी गली पीरू बंदा मुहल्ला दे विच लंबे समय तो नजायज़ तौर पर शराब बेच रही और कई तरह के जोड़े नशे बेचती पी आ, मुख्यमंत्री पंजाब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के दिशा निर्देशों हेठ जिहड़ा कि पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस ने और आम लोगों का जिहड़ा एक हजूम जी लोगों के जी लोग लहर जी नशे के प्रति जी जागी हुई आ कि असी नशे असी सिरे तो खत्म करना पंजाब दे विच, सो असी भी उस मुहिम दे विच असी डट के पंजाब पुलिस पंजाब सरकार का साथ दे रहे, सो जिदे बदौलत महल्ले वाले ने जो 23 जुलाई की जी रात सी जो धड़ले के नाल फिर तो यह नशा बेच रही थी, असी ये जे गाहक जे उन्होंने असी फड़िया, सो जो ये गाहकों फड़िया इन्हें मौके के उत्ते आके इन्हें साडे नाल गाली गलोच करनी शुरू की, महल्ले वाले लड़ाई झगड़ा शुरू करना शुरू कर दिता, पर गल यी कि यह तो उस जगह तो चली गई हुई थी और इन्हें जाके थाना सलेम टावर से झूठी एक दरखास्त लिखा दी मेरे उपर कि मेरे कपड़े पाड़ दते, इहदियां सर दो वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो दे अपनी पिंक शर्ट दिखा रही आ, एक वीडियो के अपने रेड सूट जो पाड़ के दिखा रही है, सो मैं आम लोगों को यह दसना चाहना वा कि सरासर जे मेरे से इल्जाम लगा रही है, ये झूठे इल्जाम आ।